सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ कार पार्किंग मल्टीप्लेयर। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। सो गाइज, अभी जस्ट ना मैंने चेक किया कि हमारे चैनल के 78.7% बंदों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। सो गाइज, इफ यू आर वन ऑफ देम तो जरूर से कर लेना, लिटरली एक सेकंड का टाइम लगता है। सो गाइज, चलिए अब बात करते हैं हमारी आज की इस वीडियो के बारे में। सो गाइज, हमारे कार पार्किंग मल्टीप्लेयर में एक ऐसी जगह है जिसका नाम है सी बीच। जी हाँ गाइज, और अभी मैं फिलहाल हूँ हमारे सिटी वन के मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस में, और आप लोकेशन देख सकते हो। सो गाइस, आज अपन जाने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह पे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह पे, जो आप सामने देख सकते हो। अभी मैं थोड़ी देर पहले ये पत्थर के ऊपर आकर खड़ा हुआ था और मुझे जो है ये समुंदर दिख रहा था। और गाइस, इस समुंदर के साइड में एक बीच है जिसका नाम है सी बीच। और गाइस, मैंने सोचा कि आपको क्यों ना वो बीच दिखाया जाए, इसी के लिए जो है मैंने वीडियो यहीं से स्टार्ट कर लिया है। सो गाइस, अभी मैं लेकर आया था हमारी 4x4 हेलिक्स। सो गाइस, मैंने सोचा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आराम से जो है इजीली मैं जा सकता हूं बीच के अंदर हमारी कार को लेकर। सो गाइस, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारी आज की इस ब्रांड वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं हमारी हाइलैक्स को लेकर सी बीच में, जो कि हमारी कार पार्किंग मल्टीप्लेयर का एक वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस है। जी हाँ गाइस, और हमारी हाइलैक्स सामने खड़ी है, आप देख सकते हो, पार्किंग में मैंने खड़ी कर दी थी। और गाइस, मैं आया था ये मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस में थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, और आप मेरी हाइलैक्स को भी देख सकते हो, मैंने पॉइंट भी करके आपको दिखा दिया है। सो गाइस, चलिए जल्दी से जाकर जो है हमारी हाइलैक्स में बैठ जाते हैं, और इस माउंटेन से उतरते संग ही, मतलब दो कदम के दूरी पर जो है हमारा सी बीच है। सो ऑल राइट गाइस, मैं बैठ चुका हूँ हमारी हाइलैक्स में, और गाइस चले जल्दी से जो है हमारी हाइलैक्स को ये माउंटेन से जो है नीचे उतारते हैं और चलते हैं हमारी सी बीच की तरफ। सो ऑल राइट गाइस, मैं आ चुका हूँ हमारे सी बीच के बाहर, और गाइस चलिए अब चलते हैं हमारे सी बीच के अंदर, एंटर करते हैं। सो ऑल राइट गाइस, अपन आ चुके हैं हमारी सी बीच के अंदर, और गाइस आप देख सकते हो, आपने जैसी वीडियोस, फोटोज या फिर रियल लाइफ में देखा होगा जो कि फॉरेन की बीचेस होती हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके की। और गाइस, इसका जो नाम है वो है सी बीच। सो गाइस, सबसे पहले आगे जाकर आपको थोड़ा सा आगे जाऊँगा, ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल जो है परमिशन नहीं है इसके जो है पानी वगैरह के सामने जाने का। सो गाइस, ये जो बीच है इसमें परमिशन लेना पड़ता है, मतलब नहाने वगैरह के लिए जो है परमिशन लेना पड़ता है, और विदाउट परमिशन अगर आप यहाँ पर जो है कुछ भी इल्लीगल काम करते हो तो आपको जो है पुलिस जो है महीनों की जो है जेल भी दे सकती है। सो गाइस, इसी के लिए जो मैं आगे नहीं जाऊँगा, बाकी मैं आपको पूरा जो बीच है उसको दिखा सकता हूँ। सो गाइस, आप अभी देख सकते हो कि हमारा बीच जो है वो कितना ज़्यादा बड़ा है और कितना ज़्यादा दूर तक का है। सो गाइस, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो शेड इन लोगों ने बना रखा है, ये शेड होता है, बहुत सारी आपने कार्टून्स वगैरह में भी देखा होगा ऐसी शेड्स, और फिल्म्स में भी देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा। और गाइस, मैं आपको सबसे पहले ऊपर वाला जो छोटा सा घर के टाइप बना रखा है इन लोगों ने, रेस्ट रूम जो बना रखा है, वो अंदर से आपको मैं जाकर दिखा देता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले तो आप देख सकते हो ये जो है पूरा का पूरा जो लकड़ी से बना हुआ, और बहुत ज़्यादा मोटा लकड़ी से और मज़बूत लकड़ी से जो है बना हुआ है। और गाइस, इसकी जो ब्लू जो है ये कलर नहीं है, ये बिल्कुल रबर की बना रखी है कि अगर जो भी है जो वहाँ से जो है नहा के आते हैं तो वो जो है स्लिप नहीं करेंगे लकड़ी में या फिर कुछ भी नहीं करेंगे, इसलिए जो है रबर की इन लोगों ने ऊपर की जो शेड है और नीचे की भी शेड है उसको पूरा जो है रबर का बना रखा है, जो कि ब्लू कलर का रबर है। और गाइस, यहाँ से जो है पूरा सी बीच जो है आप देख सकते हो, हमारी हाइलैक्स वहाँ खड़ी है, और इसके तरह एक और घर है वहाँ पे भी एक और है, और गाइस उसी तरीका का जो है शेड भी उन लोगों ने बना रखा है।
और गाइस सबसे ज़्यादा अमेजिंग बात वहाँ जो है एक बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रिज है जो कि हमारा डेजर्ट एरिया और ऑफ रीडिंग एरिया जो है उससे कनेक्टेड होता है, सिटी वन और डेजर्ट एरिया का जो है ब्रिज है वहाँ पे। सो गाइस चलिए अब मैं नीचे उतर जाता हूँ, आपको मैंने दिखा दिया है कि ये जो नीचे का जो फ्लोर्स है ये रबर का बना रखा और अंदर का स्पेस भी आप देख सकते हो कि दो तीन बंदा तो आराम से लेट सकता है, अगर कोई इंडियन तो है इंडियन है तो वो तो दो तीन बंदा आराम से लेट सकता है यहाँ पे। और गाइस आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बड़ा है। सो गाइस सबसे पहले मैं थोड़ा आगे आपको जाकर दिखाता हूँ, फिर पीछे आएंगे अपन, पीछे आकर दिखा देंगे। सो गाइस सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पर इन लोगों ने पार्टीशन लगा रखा है कि यहाँ जो है कार वगैरह जो है इजीली ना आ पाए वहाँ जो है। ये भी जो लकड़ी इन लोगों ने यूज़ किया है जो पार्टीशन करने के लिए, ये भी जो है बहुत ज़्यादा मजबूत है जो कि हमारी कार जो है पार नहीं हो पाएगी, अगर पार होएगी भी तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी ठुकते संगी। और अंदर जो बीच में जो बंदे लेटे हुए रहते हैं जो कि आप देख सकते हो सब वाइट वाले जो वाइट कलर का जो इन लोगों ने बेड टाइप बना रखा है उसमें जो लेटे रहते हैं उन्हें कोई भी तरीक़े का जो है प्रॉब्लम नहीं होगा, वो बिल्कुल सेफ़ है। और कोई भी जो कार है वो सीधा सीधा पानी में ना जाए इसी के लिए पार्टीशन लगा रखा है और दो एंट्रेंस बना रखा है, एक यहाँ की तरफ है और एक वहाँ की तरफ एंट्रेंस है। सो गाइस चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे जाकर दिखा देता हूँ, एक एंट्रेंस आप मेरे सामने देख सकते हो और एक एंट्रेंस जो है जहाँ से मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने का टाइम जो मैं जहाँ से आया था वो एंट्रेंस है। और गाइस ये आप देख सकते हो यहाँ पर तीन शेड्स हैं, मतलब तीन फैमिली जो है आराम से यहाँ पर जो है रेस्ट कर सकती हैं नहाने के बाद। और गाइस आप यहाँ पर एक और घर देख सकते हो, उसके बाद ये एक और शेड है जिसमें एक फैमिली जो है मतलब एक बंदा जो है यहाँ पर फिर से जो है रेस्ट कर सकता है। और गाइस चलिए और अंदर की तरफ चलते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। सो गाइस ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है शेड जो है जो कि एक अकेला बंदे के लिए जो कि सनलाइट में जो है लेट सकते हैं। सो गाइस ओपन और आगे आ चुके हैं और गाइस ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा आगे है नहीं, बाकी जो समुंदर है वो आगे में और एक बड़ा सा पत्थर है यहाँ पे। सो ऑल राइट गाइस चलिए अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड के तरफ, मैंने आपको राइट हैंड साइड जो अभी मैं फ़िलहाल जहाँ पे हूँ राइट हैंड साइड मैंने आपको दिखा दिया, अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड के तरफ। सो ऑल राइट गाइस आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में आ चुका हूँ और गाइस ये साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं है, मैं थोड़ा सा और आगे आपको लेकर जा के दिखा देता हूँ। सो ऑल राइट गाइस यहाँ से जो है हमारा रास्ता बंद है तो गाइस वापस यू टर्न लेके जो है बाहर की तरफ चलते हैं। A few moments later. So all right guys, अभी मैं आया हूँ हमारी एक सर्विस सेंटर में और गाइस हमारी जो कार है वो फुल गंदी हो चुकी है क्योंकि सी बीच के तरफ गए थे और गाइस मिट्टी वगैरह पूरा जो है हमारी हाइलैक्स में लग चुकी है। और गाइस इसकी टायर्स वगैरह जो है उसे जो है मुझे वॉश करवाना है और हवा वगैरह दिलवाना है क्योंकि इसकी जो टायर्स वगैरह है उसमें प्रॉब्लम्स आई जाती हैं, आपको पता है ऑफ रोडिंग के बाद जो है कार को जो है एक बार सर्विस में लेकर जाना ही चाहिए। सो गाइस सबसे पहले जो है कार को वॉश करवा लेते हैं, उसके बाद जो है इसकी टायर्स की जो है टेस्टिंग भी कर लेंगे। सो गाइस आप देख सकते हो मैं अंदर आ चुका हूँ वॉशिंग सेंटर का और गाइस हमारी कार जो है वो वॉश हो चुकी है। सो ऑल राइट गाइस हमारी जो हाइलैक्स है वो फुल शाइन कर रही है, आप देख सकते हो हमारी हाइलैक्स जो है एकदम कार इस क्लीन करके भी लिख कर आ चुका है। सो गाइस चलिए अब चलते हैं बाहर की तरफ एक्सिट हो जाते हैं और गाइस हमारी जो टायर्स है उसे जो है टेस्टिंग करवा लेते हैं। सो ऑल राइट गाइस हमारी कार में जो है न्यू टायर्स भी लग चुके हैं, हमारी 4x4 ऑफ रोडिंग कार जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सो गाइस मैंने आपको ऑलमोस्ट आज की इस वीडियो में सब कुछ दिखा दिया है। सो गाइस आपका काम बनता है इस वीडियो के लिए लाइक का बटन दबाकर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर 500 सब्सक्राइबर्स हमारा जल्दी से जल्दी जो है कम्प्लीट करवा देने का। सो ऑल राइट गाइस खत्म करते हैं हमारी आज की इस ब्रांड वीडियो को, पसंद वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर करके आना मत भूलना, कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा रहा। मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू गेम और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत ज़्यादा अमेजिंग कॉन्टेंट्स आने वाली है और हमारा 500 सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है वो ज़रूर से पूरा कर दो। हर एक बंदा जो है बिगर सब्सक्राइब करे जो हमारी चैनल से नहीं जाना चाहिए। और गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम के दोनों आईडीज में फॉलो करके
ट्विटर और मुझे फेसबुक अकाउंट में भी जरूर से फॉलो कर लेना। सब चीज की लिंक डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तब तक के लिए गुड बाय।